हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, मैंने अक्सर देखा हुआ है कि जब आप अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते हैं, आप सोचते हैं कि यार मुझे कहीं से कोई मोटिवेशन मिल जाए, कोई मोटिवेशनल वीडियो मुझे मिल जाए, मैं उसको देखूं और देखने के बाद अपने बॉडी के अंदर में एक मोटिवेशन लेकर आऊं और फिर मैं अपने एफिशिएंसी को आगे बढ़ाऊं, मेहनत करूं। ये अक्सर मैंने बच्चों के अंदर देखा हुआ है और शायद आप जब मेरी कभी वीडियो देखते हैं तो आप भी ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ सर भी बोलेंगे। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, अभी भी है, बहुत अच्छे पोस्ट पे, आज के टाइम पे अच्छी जगह पे जॉब कर रहा, नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब हम पढ़ाई साथ साथ किया करते थे अपने प्रोफेशनल स्टडी को, तो वो पढ़ाई नहीं करता था। मैं दिन रात, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, मैं पढ़ाई करता था, मेहनत करता था, लेकिन वो बदमाश सोया रहता था, मस्ती करते रहता था। उसको कई बार बोला गया, मैंने भी कहा उसके पापा, मैं मेरी बेटा पढ़ लो, इतने मुश्किल से पैसा आपको भेजा था पढ़ने के लिए, पढ़ो आप। लेकिन वो पढ़ता नहीं था, बदमाशी करता था। बदमाशी मतलब कोई गंदा काम नहीं, सोया रहता था, टीवी देखना, हाफ पैंट पहन के। उस समय तो घर में टीवी होती नहीं थी, हॉस्टल के अंदर में, तो जाके किसी शॉप के आगे में खड़ा हो जाता था और वो क्रिकेट मैच देखते रहता था रात भर दिन भर। मतलब उसकी ऐसी जिंदगी कटती थी, खूब खाता पीता था। ये एक बार क्या हुआ कि उसके घर में कुछ घटनाएं घटी, क्या अभी नहीं बताऊंगा। और उसके फादर ने क्या किया कि हमें फोन किया कि बेटा एग्जाम कब आप लोग का? हमने कहा कि इस डेट को है। बस बोले ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम आप दे दो, उसके बाद फिर बात करते हैं। एग्जाम कुछ उन्होंने बताया नहीं, एग्जाम खत्म हो गया। जिस दिन हमारा एग्जाम का लास्ट डेट था, उसके नेक्स्ट उसके फादर का फोन आया, आप दोनों जल्दी से घर पे आ जाओ। मेरे बच्चे, जब हम लोग घर पे गए तो क्या देखा कि एक अजीब सा सन्नाटा था उसके घर में, और अंदर जाने के बाद पता चला कि उसकी मदर का डेथ हो गया था। सडन डेथ, कुछ हुआ था, इलेक्ट्रिक आपका शॉक लगा था, उसे उनका डेथ हो गया था। उस समय मेरा दोस्त बहुत रोया। मेरे बच्चे, फिर क्या हुआ कि उसके पापा ने एक सेंटेंस बोला कि बेटा, तुम्हारी मम्मा का सपना था कि तुम एक डिग्री, अपनी डिग्री कंप्लीट करो और तुम बड़े बनो, ये मम्मा का सपना था। बच्चों, मैं अपने दोस्त को देख रहा था, उसने दोनों मुट्ठी बहुत तेजी से बांधा, बहुत तेजी से, और उसने बाद कहा कि मां, मैं तुम्हारे सपने जरूर पूरा करूंगा, देख लेना, मैं दुनिया को दिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताऊं, जिस टाइम पे उसने अपनी मुट्ठी बांधी थी, मैं उस टाइम पे ही समझ गया था कि वो आगे भी अब कुछ नहीं करने वाला। जब किसी एक आदमी की बात को सुनकर अगर आपको लगता है कि आपके अंदर में बहुत जबरदस्त मोटिवेशन बन चुका है, तो जितनी जोर से अपनी मुट्ठी को बांधते हो ना, यहाँ पे दर्द पैदा होता है, और फिर उसी तरीके से आपको जल्दी खोलने की भी रहती है कि मुट्ठी को खोलो ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिले। मेरे बच्चों, अगर आपको मेरी या किसी के भी मोटिवेशनल वीडियो की अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है अपने गोल को पाने के लिए और इस जोश को पैदा करने के लिए, तो फिर वो गोल आपके लिए ठीक नहीं है। छोड़ दो सपने को देखना, वो सपने लायक आप नहीं हो। सेल्फ मोटिवेशन कोई चीज होती है। अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, अगर आप खुद अपने आप को मोटिवेट करते हो अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि सपने आपके हैं, किसी के बोलने या ना बोलने से कैसे पूरे होंगे। अगर आप खुद रोज अपने आप को आप प्रेरित कर पाते हो उस डिग्री को पाने के लिए, मेरे बच्चे, वो मोटिवेशन आपके लिए होना चाहिए। किसी की बात को सुनकर, किसी दुनिया को दिखाने के लिए, या किसी मोटिवेशनल, या किसी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं, मेरा पूरा फोकस आपके ऊपर में, आपका ग्रोथ कैसे होगा। जब तक हमारे जीवन में, हमारे लाइफ के हर एक पल में हमारा जो अपना थिंकिंग है अपने गोल को लेके, वो नहीं आ पाएगा मेरे बच्चे खुद, तब तक वो काम नहीं होगा। और वही हुआ मेरे दोस्त के साथ। उस समय उसका जोश था, वो आया दोबारा यहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे साथ, और 3-4 दिन मेहनत किया, बट अगले दिन से फिर से उसी रूटीन में चला गया। वो फिर से उसी रूटीन में, और फिर से उसका वही काम जैसे पहले चलता था उसी तरीके से चला। मेरे बच्चे, मैं उसको बुराई नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये ह्यूमन नेचर है, ये बिहेवियर है जो हम लोग फॉलो करते हैं, और वो होगा ही होगा किसी के साथ। लेकिन हाँ, उसके लाइफ में एक सडन चेंज आया। उसने देखा कि उसका दोस्त
उसके सभी लोग जो है वो अलग अलग निकल रहे हैं, उसको कुछ मोटिवेशन आया किसी काम को लेके, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बट सडनली उसके लाइफ में एक चेंज आया और आप बिलीव करो उसके बाद उसके सक्सेस की स्टोरी रुकी नहीं, क्योंकि अब सेल्फ मोटिवेटेड हो चुका था किसी के बोलने या किसी के कहने से अपने गोल को अपने सिलेक्ट किया। आज वो बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है और आज भी हम दोस्त हैं, हम मिलते हैं और शायद हम दोनों से अच्छी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन आज सचमुच में अच्छा लगता है कि एक जगह पे पहुंचा हुआ है, दिल से खुशी होती है, क्योंकि उसका गोल अपना था, उसने रास्ते अपने सिलेक्ट किए और मेहनत किया, वो निकला और आज बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा हुआ है। आपके साथ भी मैं वही चाहता हूँ, किसी के बोलने या ना बोलने से लाइफ आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत है नहीं है आपको, आप बढ़ो ना, सपने देखो ना, अच्छे पूरे करो ना, गंदे दोस्तों को छोड़ो ना, अपने आप रास्ते आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आप लाइफ को एंजॉय करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ, मुश्किलें आएंगी, कई तरीके की मुश्किलें आएंगी, पारिवारिक भी होगा, फाइनेंशियल भी होगा, कुछ कई तरीके के आएंगे, लेकिन उन सबसे निकल के जो आगे बढ़ पाया वही विनर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विनर सारे नहीं होते मेरे बच्चे, विनर कुछ ही होते हैं और उस कुछ में आने के लिए डिफरेंट तरीके से मेहनत करना ही पड़ेगा, और ये डिफरेंट तरीका क्या होगा आप किसी से नहीं पूछ सकते, ये खुद आपको जजमेंट करना पड़ेगा। दिमाग शांत, फोकस्ड ऑन गोल, एफिशिएंसी के साथ स्टडी करना, सेल्फ मोटिवेटेड होना, यही आप अपने लाइफ में लेकर आइए। पॉजिटिव थिंकिंग को रखें, लाइफ अगर कल को गिरा दी आपको, कहीं कल को आप गिरे तो उससे भी कुछ सीखो और उससे बढ़ के फिर आगे निकलो, यही आपका अल्टीमेट तरीका होना चाहिए। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मुझे पता है कि आप लाइफ का सिलेक्शन अच्छी तरीके से करेंगे और आप बिना प्रेशर को दिमाग में बैठाए हुए, बिना किसी मोटिवेशनल वीडियो के आप आगे बढ़ेंगे। आप सबको मेरे बच्चे, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।